नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कामाख्या कुमार है और मैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ योग में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड कार्यरत हूँ। आदरणीय प्रोफेसर ईश्वर भारद्वाज जी सर के बारे में यदि मुझे कुछ कहने को कहा जाए तो मैं एक बात जिम्मेदारीपूर्वक कह सकता हूँ कि एज एन एकेडमिशियन योग के क्षेत्र में वो नंबर वन है। आज नहीं, बीसों वर्षों से जब से हमने उन्हें देखा है, जाना है, उनके एकेडमिक फील्ड में जो योगदान है वो अद्भुत है। योग को इस्टेब्लिश करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। एज एन पर्सन यदि मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँ तो मुझे थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना पड़ेगा। मैं बिहार योग भारती का स्टूडेंट रहा हूँ और वहाँ 2 साल रहते हुए जब मैंने अध्ययन किया तो ज़्यादातर वहाँ सन्यासी थे और मेरे मन में, मस्तिष्क में जो योगियों के प्रति एक छवि थी वो ऐसी कि वो कोई गेरुआ वस्त्रधारी, गृहत्यागी, सन्यासी की छवि थी। लेकिन जब वर्ष 2002 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हमने अपनी सेवा देनी शुरू की एज ए फाउंडिंग फैकल्टी मेंबर, फिर मैं भारद्वाज सर के संपर्क में आया क्योंकि ज़्यादातर कमेटियों में यूजीसी से लेकर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ज़्यादातर में वो एक्सपर्ट के रूप में हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में भी एकेडमिक काउंसिल के मेंबर के रूप में उनके संपर्क में आया, हालांकि बाद में वो हमारे को गाइड भी हैं और उनसे हमने अपने पीएचडी के लिए गाइडेंस भी प्राप्त किया। तो इस तरह जब हम उनके व्यक्तित्व के नज़दीक आए फिर हमने जाना कि योगी कोई गेरु वस्त्रधारी जरूरी नहीं बल्कि श्वेत वस्त्रधारी भी होते हैं और उनकी और गहराइयों को जब हम जानना, सीखना, समझना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि हमने कभी उनके अंदर कोई क्रोध नहीं देखा, कभी कोई क्षोभ नहीं देखा, कभी कोई अहंकार नहीं देखा। ज़्यादातर हमने कहना नहीं चाहिए लेकिन कई सारे सन्यासियों में भी क्रोध और अहंकार की थोड़ी सी भनक दिखती है लेकिन सर के जीवन में ऐसा कभी नहीं दिखा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के ऊपर यदि कोई शोध करना चाहे, पीएचडी करना चाहे तो वो बहुत ही अच्छी एक कृति होगी और यदि कोई स्कॉलर मेरे अंडर में उनके ऊपर पीएचडी करना चाहेगा तो ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। वर्ष 2019 में जब हमने अपने यहाँ 5वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराया था तो उस समय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो अब एचआरडी मिनिस्टर भी हैं, एज ए चीफ गेस्ट आए थे और उन्होंने सर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था और उस समय हम लोगों ने उनसे वादा लिया था कि आप भविष्य में भी हम लोगों के गाइड के रूप में और योग के फील्ड में एज एन एकेडमिशियन इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और ये आश्वासन हमें उनसे सहज प्राप्त भी हुआ था। आप जानते हैं जैसे क्रिकेटर्स संन्यास लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो क्रिकेट छोड़ देता है। उसी तरह भारद्वाज सर अब केवल और केवल विश्वविद्यालय से संन्यास ले रहे हैं, एज एन एकेडमिशियन वो हमारे साथ निश्चित रूप से जुड़े रहेंगे। मैं उनके दीर्घ जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और श्रद्धा के, सम्मान के ये शब्द पुष्प उनके चरणों में ही अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।